गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एसपी पैंती वाले यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी टाइम हुआ है 7:15, तो सुबह हुई है अभी। तो दोस्तों बड़े बुजुर्गों को नमस्ते और दोस्त लोगों को राधे राधे। तो जीवन का आधार प्रेम है, तो सभी निस्वार्थ भाव से प्रेम करते रहिए और एसपी पैंती वाले के ब्लॉग देखते रहिए। तो पार्ट टू है यानी डे टू। तो अभी मक्की इसमें नहीं लगी है और ये है यहाँ पर एप्पल। तो दोस्तों यहाँ पर जो हिल स्टॉर्म है बहुत तगड़े तरीके से आया था, देख सकते हैं आप क्या हालत ख़राब हुई है इन सेबों की, बिल्कुल हालत ख़राब है। तो वैसे एक बात देख सकते हैं, क्रॉप तो बहुत बम्पर थी बट यहाँ पर ओले ने इनका काम ख़राब कर दिया है। तो ये मिले अपने भाई लोगों से, सुबह सुबह निकले हैं दूध बेचने। रात को हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क करी थी, तो अभी चल पड़ते हैं यहाँ से। साले मैं की कुमारा में जी हुआ क्या क्या बंदा यार। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन था रात को। आगे बैठने सरारामपुर सरारामपुर गुड गुड। सो गाइस अब निकल पड़े हैं यहाँ से और मेरे साथ है मनोज कुमार और यहाँ से निकल पड़ते हैं अब घर की ओर। सो गाइस अब हम चल पड़े हैं यहाँ से घर की ओर यानी घर वापसी। सो गाइस फ़ोन के कॉर्नर में आई थिंक सो कि फ़ोन का या तो कैमरा ख़राब हो चुका है या फिर डिस्प्ले टूट गई है। बट डिस्प्ले अगर टूटी है तब ये नहीं आना चाहिए था, कोई बात नहीं, देखते हैं जब गाड़ी रोकते हैं तब देखेंगे कि क्या हुआ है इसमें। अभी फ़िलहाल हमने दुराज जाना है बिकॉज अपने भाई जी का एक फ़ोन आया था कि एटीएम उनके पास ले जाना है, यानी उनका एटीएम मेरे पास है तो उनके पास पहुंचाना है। अभी उन्होंने रामपुर जाना है तो उनका एटीएम मेरे पास रह गया था, तो उनका एटीएम लौटाता हूँ और फिर दुराज से घर की ओर रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे एटीएम छोड़ना है भाई जी का जो बस के पास, तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने मेरे को कल शाम को फ़ोन कर लिया था कि सुबह आ जाइयो, बट मुझे, मैं बहुत आराम से घूम रहा था। और दोस्तों हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ से राइट टर्न लेना है और सरार के लिए जाता है ये रोड, बिल्कुल तो उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। और दोस्तों अभी हमने जाना है दुराह और ये स्टेट रोड जा रहा है लूरी की ओर, और हम यहाँ पर भाई जी को छोड़ देते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर दूर छोड़ना है, तो वापसी में इनको पिकअप कर लेंगे यहाँ से। सो गाइस आज मैं दुराह का जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपको दिखाऊंगा बिकॉज पिछले ब्लॉग में मेरा कैमरा वहाँ पर ऑफ हो चुका था। तो दोस्तों ये है दुराह का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दुराह का जो मार्केट है वो शुरू होता है। उतना बड़ा बाज़ार नहीं है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल छोटा सा बाज़ार है। भाई नमस्कार, रुको वाले और तेरे और एक फोन देता हूँ ए टी एम वाला मोर के बेटा उदयपुर हो सुबह एटीएम कार्ड दे दिया है मैंने और अपना काम यहाँ पर ख़त्म होता हुआ और हम यहाँ से गाड़ी को मोड़ के वापस चले जाएंगे। और दोस्तों ये है दुराह का जो बस स्टैंड है। सो गाइस इतनी बड़ी मार्केट नहीं है दुराह में, बट जो एक आम ज़रूरत होती है गांव में तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर बैंक की फैसिलिटीज़ है और जो डेली नीड्स की है, हार्डवेयर से लेकर जितने भी शॉप्स है ऑल फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। सो गाइस पहले से लेकर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखी थी कि जो स्क्रीन पर कुछ शो हो रहे थे वजह से ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं थे, मास्क था, जस्ट उसकी परछाई पड़ रही थी। तो भाई जी यहाँ पर मिल चुके हैं यानी फ्री हो चुके हैं, तो कह रहे हैं पार्किंग के लिए, तो यहाँ पर लगाते हैं कुछ देर गाड़ी को पार्क कर लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं क्योंकि मुझे घर जल्दी पहुँचना है और घर में थोड़ा बहुत काम है सप्रे करने को है, कोई दिक्कत नहीं, पहुँच जाएंगे आराम से।
दोस्तों जैसे हम वहाँ से चले थे तो मौसम बिल्कुल औसम था, बट औसम मौसम में किसी की नज़र लग चुकी है, यहाँ पर धुंध पड़ गई है। और दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल रोड में बिल्कुल संभल के चलने का है, बिकॉज पीछे मोड़ है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो टिप्पर फॉग लैंप जो भी होते हैं सब ऑन करके निकलना होता है, तो कोई सीन नहीं, चलेंगे आराम से पहुँच जाएँगे, बट सेफली पहुँचना चाहिए, तो थोड़ा सा आराम से चलेंगे बिकॉज रोड में पूरी धुंध है, कहीं पर जो कोहरा बहुत ज़्यादा है और जो है मतलब विजिबल नहीं हो पा रहा है जो सामने से गाड़ी आ रही है। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी कलोग, तो ये सभी उतर जाएंगे यहाँ पर और बच जाएंगे हम दो ही जो हम घर से आए थे, दो ही, बिकॉज यहाँ पर ये IPS में होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से चलेंगे कुछ देर बाद। तो गाइस अभी यहाँ पर बहुत कोहरा पड़ा था, यानी धुंध पड़ी थी, तो आगे रोड बिल्कुल विजिबल नहीं था, तो आगे देखते हैं, आई थिंक सो आगे रोड ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हाइट है, हाइट में आजकल क्या होता है जो धुंध होती है बढ़ जाती है बरसात का मौसम है। कितनी है ठंडी ठंडी चली हवा मेरे घर वाली, कितनी है ठंडी ठंडी चली हवा मेरे घर वाली। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे सामने से बिल्कुल बिल्कुल आज काम खराब हो के रखा है, और यहाँ पर ड्राइविंग करते बाद बहुत सी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने से अगर गाड़ी आ जाती है तो एकदम बिल्कुल फटाक से बच जाएगी और सीधा रामपुर के दर्शन, यानी रामपुर जाना होगा सीधा गाड़ी पूरी ठीक कराने, तो थोड़ा सा आराम से चलना होगा, क्योंकि आज जो बारिश हुई है सुबह की तो रोड भी काफ़ी ख़राब है, यानी रोड हो गया है, बहुत गंदा रोड है भाई, आगे तो स्लिप हो रही गाड़ी यार, क्या हो गया यार, फोन गिर गया। ये देखो ये है जी यहाँ पर मंतलाई झील, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मंतलाई। और ये है ऑफ रोडिंग, और ये है ब्रिंगू झील। यहाँ पर झीलों के दर्शन बहुत सारे होंगे आपको, आगे जाके देखते हैं कितनी झीलें मिलती है। और ये है खच्चर रोड। चलो यहाँ से ठीक है थोड़ा बहुत, ऐसे और मारेंगे, कोई चेक तो नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है काम प्रगति पे है, यहाँ पर लोग जो है दूध लेने सुबह आए हैं, यहाँ पर सुबह सुबह गांव के लोग पैसा कमाना जानते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। पूरा तेरा मुहानो जप किरदा, जप किरदा जुरी है जप किरदा, जप किरदा। जाओ बाहु कर जाओ, हो सकता है आज चांसेस है, क्यों है ना, जब इन ऐसे जयपुर एरिया में धुंध है यार, हमारा तो प्रो एरिया है, ये पार वाले कौन जयपुर है, फिर हरियाणा वाले भैया बोलो, हरियाणा वाले भैया चलो सर आगे पीछे। सो गाइस फाइनली हम अपने गांव से कुछ ही दूरी पर पहुंच चुके हैं, तो अब यहां पर थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने घर को। ये है लॉकडाउन का इफेक्ट, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन मेरी गाड़ी पर निकाल दिया है, बिल्कुल किताबों कॉपी पे जो लिखते थे बिल्कुल यहाँ पर बड़ी चित्रकारी की है, कोई बात नहीं होता है। भाई जी चलें, क्या कर रहे हो, हेलो 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 भाई लोग, हेलो हेलो। दोस्तों अभी हम अपने गांव के थोड़े करीब पहुंच चुके हैं, तो वो सामने अपना गांव है जो अभी नहीं दिख रहा है, तो धुंध के कारण क्या है सब कुछ यहाँ पर इनविजिबल सा हो गया है, यानी धुंध का कहना है कि जब मेरा कहर बरपेगा ना बच्चों, तो तू तो क्या तेरा एरिया भी टोप के नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल दोस्तों जो धुंध है इससे क्या होता है, जब हम रोड में चलते हैं तो बहुत सारी अनहोनी हो जाती है, यानी बहुत सारी जो है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं धुंध के कारण,
तो रोड में जब भी चलते हैं धुंध में तो बिल्कुल डिपर ऑन करके चलिएगा, बिकॉज सेफ्टी ज़रूरी है, अदरवाइज थक जाते हैं एक दूसरे के साथ, नुकसान भी बहुत सारा होता है, यानी जान माल का बहुत सारा नुकसान। तो दोस्तों जान माल का नुकसान छोड़ देते हैं, तो हम अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड कर लेते हैं। तो आई होप सो आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एसपी पैंती वाले यूट्यूब चैनल को, और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आ रहा है, तब तक जय शंकर जय भोलेनाथ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बंद कर।